तो गुड मॉर्निंग एवरीवन सुप्रभात सो जैसा कि हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं गुप्ता राजवंश को पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था गुप्ता के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुप्ता राजवंश की स्थापना होती है सुमथन मदनपाल, हेमंत करण और सुनील शमीना सभी को गुड मॉर्निंग मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो आप लोगों का डेडिकेशन सब बढ़ाने की आवश्यकता है तो कहने का मतलब है कि मन की बात की तरह मैं भी आपके सामने यहाँ मन ही की बात कर सकता हूँ बाकी आप जो भी समस्या हो या कुछ इसी प्रकार का कुछ भी हो तो आप अपने बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं सो ब्रजेश कुमार पंडित सो गुड मॉर्निंग तो हम लोग गुप्ता राजवंश को पढ़ रहे हैं और एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग समझदार हैं और पढ़ाई होनी चाहिए थोड़ा सा आप शेयर भी कीजिएगा क्योंकि मुझे भी ऐसे आवश्यकता है लगता है कि भाई शेयर करने की जरूरत है ताकि सबका साथ सबका विकास सबको मिले मौका तो हम बात कर रहे थे गुप्ता राजवंश की गुप्ता अंपायर की बात कर रहे थे गुप्ता अंपायर में हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में किस प्रकार से गुप्ता राजवंश की स्थापना होती है श्री गुप्त ने गुप्ता राजवंश की स्थापना की थी ऐसा माना जाता है कि वो कुसानों के सामंत हुआ करते थे अर्थात फ्यूडल हुआ करते थे और धीरे धीरे उसने उन्होंने अपने राजवंश को विस्तार किया जैसे उदाहरण के तौर पर रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम जो है उन्होंने इसका विस्तार करने की शुरुआत वहीं से होती है और धीरे गुप्ता धीरे धीरे जो समुद्र गुप्त आते आते चंद्रगुप्त द्वितीय आते आते गुप्ता राजवंश जो है करीब करीब पूरी भारत में फैलने लगता है जैसा कि हम लोगों ने मैप के थ्रू भी पढ़ा था आज की कहानी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद की कहानी है हम लोगों ने समुद्रगुप्त की कहानी में पढ़ा था हरिसेन किस प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति को लिखते हैं और प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त की विजय की गाथा को लिखते हैं वॉर की पॉलिसी हुआ करती थी समुद्रगुप्त का वहीं पर अशोक के उसी प्र... की बात कर अशोक के पिलर पर उस एक तरफ लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्मम अर्थात शांति और अहिंसा का पाठ बताया गया है वहीं पर समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर आपको उस हिंसा के माध्यम से वार के माध्यम से पूरी भारत पर विजय की गाथा बताई गई कैसे दक्षिणा पथ पर जाकर उन्होंने विजय प्राप्त किया था है ना सो थैंक यू सुनील <coughs> बहुत बहुत धन्यवाद सो रोहित पटेल गुड मॉर्निंग तो ये चीजें हम लोगों ने समझा था हमने ये भी देखा कि कई राजाओं को हराकर और समुद्रगुप्त को अस्मित साहब ने भारत का नेपोलियन कहा भारत का नेपोलियन जिन्होंने विजय प्राप्त की। आगे चलकर गाथा को हम पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है हमने ये भी कहानी पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुआ करते थे एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय योग्य थे पिता चाहते थे समुद्रगुप्त चाहते थे कि गद्दी पर गुप्त वंश के राजवंश का अगला जो शासक हो चंद्रगुप्त द्वितीय हो परंतु रामगुप्त के बड़े होने के कारण जो है वाद विवाद की अर्थात पर निकाला गया कि रामगुप्त गुप्त ही इस गद्दी पर शासक के तौर पर बनेंगे कुछ ही समय के बाद आपको ये भी देखने को मिलता है कि रामगुप्त जो है मालवा और बाकी अन्य जैसे युद्ध सक, सक के साथ उनका युद्ध होता है और वो युद्ध हार जाते हैं युद्ध में हारने के बाद अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को आ, उन सको राजाओं के बीच भेजने का प्रस्ताव रखता है जिसे क्रूध होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की हत्या कर दिया और उसके बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी के राजा के तौर पर बनाए गए ये सब कहानियां हम लोगों ने पढ़ा था मतलब रामगुप्त के बाद जो है शासन गुप्ता राजवंश पर शासक के तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय बने और चंद्रगुप्त द्वितीय की कार्यकाल

की बात देखा जाए तो वहां पर शाक्यों को हरा कर उन्होंने किया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मेहरौली आयरन पिलर पर बहुत कुछ अः सर शब्दावली से जो पूछ जाता है वो भी बताया कीजिए डेफिनेटली मैंने उसके लिए अलग से शब्द कोश बनाए हैं आप इसकी चिंता ना करें और उसके लिए मैं अलग से शब्द कोश बनाए हैं ताकि आपके वो आपको काफी मदद मिलेगा तो इसकी आवश्यकता नहीं आप चिंता ना करें कोई भी चीज आपको नहीं छूटेगा आपको ये भी जानने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब चंद्रगुप्त द्वितीय जो जब आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उसके बाद जो है मेहरोली आयरन पिलर पर बहुत कुछ लिखा हुआ था कालीदास और अमर सिन्हा जो है उन्हीं के कोर्ट के दरबारी हुआ करते थे ये बात भी हम लोगों ने पढ़ा था आपने ये भी पढ़ा होगा कि पाहियान जो है चिन्नी पिलग्रिम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच के अंतर को याद रखिएगा क्या क्या डिफरेंसेस थे वो आपके इंस्क्रिप्स को याद रखिएगा उसके कार्यकाल में जो घटनाएं होती है उसके बारे में भी याद रखने की जरूरत है जब आप सिस्टमैटिकली तरीके से आप पढ़ेंगे आप बेहतर तरीके से जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी कभी अक्सर जब प्रश्न आते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में काफ़ी सिमिलर uh, होने के कारण हमें कंफ्यूजन होती है और ऐसी स्थिति में हम अक्सर प्रश्न को गलत कर देते हैं तो इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है चंद्रगुप्त तो मौर्य को भी इन गुप्ता डायनेस्टिक से अलग रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये मौर्य वंश के संस्थापक हुआ करते थे मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं बताइए इसका प्रश्न का उत्तर कि हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फर्स्ट इशू टू सिल्वर निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए कुछ प्रश्न हैं जिससे आपको याद आ जाएंगे आप प्रश्न का उत्तर दें इस्माइल खान ने कहा जेड जेड तो कोई विकल्प में नहीं है सर ओके समीना शिव भारती गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हु अमोंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग वॉज सिल्वर क्वाइन किस गुप्त राज, राजा ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे इस्माइल खान ने कहा सर आज मेरा बर्थडे है ओके इस्माइल, सो हैपी बर्थडे आपको मैं प्रकृति से कामना करता हूं कि आपकी उम्र लंबी हो करण सिंह ने सी कहा हेमंत सी और शिव शंकर साहब ने बी कहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ज्यादातर लोगों ने अच्छा बी कहा है शिवशंकर जी ने भी बी कहा है मैंने पिछले क्लास में ही बताया था सी इज अ राइट आंसर इन्होंने सबसे पहले सिल्वर क्वाइन की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी ठीक है है ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी गोल्ड दिनार दिनार भी उन्हीं के द्वारा चलाया जाता था याद रखने की आवश्यकता है आपका कि पहला जो है सिल्वर क्वाइन चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और उन्होंने गोल्ड जो चंद्रगुप्त के दरमियान में जो गोल्ड आपको कह सकते हैं कि आ, सिक्के चलाए जाते थे उसका नाम दिनार भी हुआ करता था ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आयरन पिलर इन डेली इरेक्टेड किसके शासन काल के दौरान दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान में हुआ चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार गुप्ता प्रथम और समुद्रगुप्त ऐसे कंफ्यूजन आपके एग्जाम में आएंगे आपके पास जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसा ही विकल्प होगा और फिर आपको थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है इट विल बेटर फॉर यू दैट ट्राई टू सोल्व टू ऑल एंड यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑल द नेम स्पेशली चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय एंड चंद्रगुप्त मौर्य गुड मॉर्निंग प्रणाम अमित जी प्रिया सिंह प्रिया सिंह सो हेमंत इज बी एंड समीना इज बी सो इज एवरी राइट आंसर मेहरौली पिलर की बात हम लोग यहां पर करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हम लोग यहां पर करते हैं सो वेरी गुड वेरी गुड सो प्रिया सिंह बी राइट आंसर आप सभी लोगों ने बी कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाइनीज पिलग्रीम विजिस्टेड विजिटेड टू इंडियन ड्यूरिंग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में किस यात्रा ने, यात्री ने भारत की यात्रा की थी वाइट आंसर सेलमे सर हम कभी जन्मदिन नहीं मनाते न मनाएंगे ओके okay. पर्सनल चॉइस है सुनील जी ये पर्सनल चॉइस है आपकी सब अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन जीते हैं और जीना भी चाहिए ठीक है सो so, uh, सुनील ने ए कहा सभी लोगों ने ए कहा हेमंत इस्माइल दीपू समीना शिवशंकर, सब सबने फाहियान ए कहा ए इज द राइट आंसर वेरी गुड ए इज द राइट आंसर क्योंकि ए uh, हम लोगों ने पढ़ा था प्रिया डी इज नॉट राइट आंसर डी नहीं होगा वेन सांग जो है वेन सांग आपको आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान में

तो आप इसकी चिंता न करें इसको आप से समझने की। है आपका के विच द इलाहाबाद अभिलेख का संबंध किस गुप्ता नरेश से है समुद्र गुप्त गुप्ता कुमार गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय और श्री गुप्त आप इसको आसानी से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है और इसके कारण से आप प्रश्नों का उत्तर देंगे बताइए इलाहाबाद अस्थम अभिलेख का संबंध किस गुप्त नरेश से है किस गुप्त राजा से है किस गुप्त राजा से आप लोग बताइए समुद्र गुप्त, कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और श्रीगुप्त क्या आपके सही उत्तर होंगे सुनील जी ने सी कहा है दीपू ए विजय यादव ने भी ए कहा करण कुमार शिवशंकर वेरी गुड आप जिस तरीके से आपकी समझ बेहतर मैं कोशिश कर रहा था वो है ना बहुत अच्छा मदन पाल ने भी ए कहा इस्माइल खान जो व्यक्ति प्रश्न का उत्तर ना दे रहे हो मैम में अपने मन में ही प्रश्न का उत्तर दे और आप बस हमारा ये मकसद है कि जो कुछ मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए सो प्रीति रोहित संतन मीनू सबने एक कहा और ये इसका सही उत्तर है बहुत खूब ये इसका सही उत्तर है समुद्र गुप्त जिसके जिन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अच्छा ये बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है किसके बारे में लिखा गया तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है इलाहाबाद की पिलर पर और किसके बारे में लिखा गया है तो अशोक के बारे में लिखा गया है और किसको बारे में लिखा गया है तो जहांगीर ने भी अपना उत्पे खुदवाया था चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा प्रिया। सो नहीं होगा ठीक है आपका यहां पर कौन होगा तो ये समुद्रगुप्त होंगे अच्छा ये प्रश्न ये भी अक्सर पूछेगा क्योंकि कल की भी क्लास में इस बातों पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि, कि कुछ किस मुगल राजवंश मुगल राजवंश के किस राजा के द्वारा या किस बादशाह के द्वारा जो है इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन पर चीजें लिखे गए हैं तो वहां पर जहांगीर है हाँ किसके द्वारा लिखा गया है आपको समुद्रगुप्त की गाथा, गाथा के बारे में तो हरिसेन के बारे में लिखा हरिसेन ने लिखा है हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा था है ना हरिसेन कौन थे कुमार आमत्य हुआ करते थे संधि का भी उनको कहा जाता था संधि विग्रह है ना उनको महादंडिका नायक भी कहा जाता था हरिसेन को तो कई बातें हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं आप ध्यान से इस चीजों को समझिए है, है ना इसका उत्तर आप लोग दीजिए वेरी गुड सुनील जी ने कहा जहांगीर भी हरिसेन अब कहानी की शुरुआत जो है आगे की कथाओं पर चले हमने जैसा कि देखा कि शुरुआत हम लोगों ने किया था एग्जैक्टली exactly जहांगीर भी है हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरुआती में राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया श्रीगुप्त के बाद कौन आए श्रीगुप्त के बाद आपको आए घटोचक आए घटोचक के बाद कौन आए भाई तो चंद्रगुप्त प्रथम आए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त आए समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए और चंद्रगुप्त द्वितीय के दो पुत्र एक पुत्र और एक पुत्री हुआ करती थी एक कुमारागुप्त और एक का प्रभावती प्रभावती का विवाह हमने बताया था कि वर्मन से हुआ था जो कि उसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा भी किया था कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है है ना इनडायरेक्टली राज किया करते थे अब यहाँ पर समझिए गुप्ता का शासन काल चार से लेकर चार तक का रहा है चार से लेकर 455 तक के कॉमन तक इनको शासन काल उन्होंने रहा स्वयं को महाराज धीराज की उपाधि भी इन्होंने रखी थी जैसा कि पिछले क्लास में अन्य राजाओं के बारे में भी हमने बात की थी कि श्रीगुप्त में महाराज की उपाधि धारण की घटोचक ने भी महाराज की धारण उपाधि की चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त को नेपोलियंस कहा जाता है कविराज कहा जाता है है ना क्योंकि वीणा वादक भी थे विद्वान भी थे राइटर भी थे लेखक भी थे है ना हर तरीके से साथ साथ में आपने देखा भी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य कहा जाता है आसान भाषा में अगर तो उसी प्रकार से कुमार गुप्त के बारे में भी बात कही जाती है कुमार गुप्त की कहानी जो है जैसा कि फैजाबाद के पास एक इंस्क्रिप्शन है फैजाबाद जिसका नाम है करमंदा करमदाना तारा मदना जो है एक जगह है वहां पर फैजाबाद आज के तौर पर उसका नाम फैजाबाद है उसी इंस्क्रिप्शन पर कुमारागुप्त प्रथम के बारे में काफी कुछ बताया जाता है कुमारा गुप्त को कहा जाता है चार फोर ओशियंस रूलर कहा जाता है समुद्र के चारों तरफ वाले है ना मांड एक है आपका मंदसोर मंदसोर इंस्क्रिप्शन में भी आपको कुमारागुप्त के बारे में कहा गया है साथ साथ में कॉपर प्लेट जो है आपका इंस्क्रिप्शन दामोदरपुर है दामोदरपुर के इंस्क्रिप्शन पर तो कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जैसे इंस्क्रिप्शन की ही बात कही हम लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में आपको कहा जाता है इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा गया आपका मेहरौली के इंस्क्रिप्शन में उसी प्रकार से कुमार गुप्ता के बारे में कहा गया आपका इन सभी चीजों के बारे में सर पीसीएस रिव्यू ऑफिसर के लिए पढ़ रही है अच्छा पीसीएस रिव्यू ऑफिसर्स के लिए वंडरफुल वेरी गुड के सिक्के पर बिना बजाते हुए हाँ, ऐसी कई सिक्के मिले हैं जो कि हम लोगों ने चर्चा में भी किया था तो हमने देखा किस कर्म कर्म कुमारा गुप्ता के बारे में बात करता है इसमें कहा फोर ओशियंस रूलर ऑफ फोर ओशियन मांडसोर इंस्क्रिप्शन पर बात किया गया है कि रूलर ऑफ ऑल अर्थ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दामोदरपुर है वहां पर महाराज धीराज कहेगी तो कई बार ऐसे प्रश्न आपके पूछे गएंगे कि कुमार गुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि इनमें से किस है ना इंस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं तो आप यहां पर प्रश्न के उत्तर में दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं क्योंकि विकल्प में होगा विकल्प में आसान से एलिमिनेट करने के लिए प्रयाग प्रशस्ति को दे देगा महरौली को दे, दे देगा और फिर आपको इसमें भी दे देगा तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं उसी प्रकार से इटा यूपी में बिलसाद इंस्क्रिप्शन है बिलसाद इंस्क्रिप्शन पर भी कुमारागुप्त के बारे में कुमारागुप्त प्रथम के बारे में मेंशन किया गया है तो ये आर्ट एंड एग्रीकल्चर या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में काफी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा और ऐसे प्रश्न अफसर हमारे सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है कुमार गुप्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो यश अश्वमेघ यज्ञ आयोजन करवाया था है ना स्वयं को उन्होंने अश्वमेघ महेंद्र और महेंद्र आदित्य को उपाधि धारण की कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस गुप्ता काल के शासक के द्वारा जो है महेंद्र है ना किस गुप्ता शासन काल के द्वारा अश्वमेघ महेंद्र और महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की तो इसका राइट आंसर कुमारा गुप्ता प्रथम के द्वारा हुआ कुमारा गुप्ता स्वयं जो है शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे शिव को बड़े बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और साथ साथ में कहा जाता था कि उन्होंने शिव के भक्त के साथ साथ कार्तिके नाम सुना होगा जिनकी सवारी जो है मोर है वो शिव शंकर भोलेनाथ के पुत्र के तौर पर जाने जाते हैं गणेश और कार्तिकेय तो कार्तिकी के बहुत सारे भक्त हुआ करते थे है ना सर उत्तर प्रदेश में exactly उत्तर प्रदेश में है सर। so, कार्तिके के तो उनके जो है बहुत सारे ऐसे क्वाइन हैं उनके शासन काल के गुप्ता कुमार गुप्ता प्रथम के शासन काल के जिस पर कार्तिके के उस पर तस्वीर बनी हुई है उस पर खुदवाया गया है कार्तिके की है ना सो हिमसेल्फ डिवोटेड ऑफ शिवा एंड कुमारा गुप्ता इस्तिके टाइप ऑफ द क्वाइन बियरिंग टू द फिगर ऑफ पिकॉक आपका साथ साथ में यह भी माना जाता है कि जिस प्रकार से उन्हीं के शासनकाल के दौरान में जो है हिंदू कोश को पार करके हुनों का आक्रमण होने का खतरा हुआ करता था कुमारा गुप्त के दौरान में लेकिन ये जो है उस शासनकाल में खतरा तो था परंतु उनके शासन काल में जो है आक्रमण नहीं करते हैं है ना शिवशंकर भारती नहीं मैं शिवशंकर भोलेनाथ की बात कहा है भारती जी मैंने शिवशंकर भारती नहीं कहा है, है ना ठीक है सो so, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना है विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी या कह सकते हैं उस दरमियान में उस शासन काल के दौरान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया से फाहियान, ये सभी लोग जो है भारत के अंदर में अध्ययन के लिए आया करते थे तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है इन्हीं शासन काल के दौरान में किया गया था कुमारा गुप्ता प्रथम के शासन काल के दौरान में किया तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जाएगा याद रखिएगा बहुत है आपके एग्जाम में में प्रश्न पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय नलंदा विश्व की स्थापना किसके के दौरान में किया गया था की गई थी आज नालंदा विश्वविद्यालय खंडर मात्र सी रह गई हालांकि वर्ल्ड हेरिटेज में उनका स्थान है परंतु लगता है कि हम भारतवासियों को थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय की पूर्ण निर्माण की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम अपने इतिहास को फिर से इस काल में उसको जीवित कर सके तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारी वो धरोहर है जो दो पूरे विश्व को है ना शिक्षा का ज्ञान देता है कह सकता है कि भाई वो जमाना वो वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था हमने यूनिवर्सिटी तैयार किया पूरे विश्व की प्रथम ऐसी यूनिवर्सिटी थी नालंदा विश्वविद्यालय वेंग सांग अपनी किताबों में नलंदा विश्वविद्यालय की बहुत सारी कहानियां को लिखते हैं आप कहते थे महा कहा जाता उस जमाने में दस हज़ार से भी अधिक शिक्षक हुआ करते थे ऐसा मानते हैं या कई बार दस हज़ार छात्र की बात हालांकि उन्होंने की है और उसको पास करने के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जो है द्वारपाल वो वाले सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं होता था इसको आप मत समझिएगा हालांकि हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी अपने आप में दुनिया का एक में उसे भी रखना चाहिए जिस तरीके से पेपर का कंडक्ट होता है और आप लोग जब क्वालिफाई कर जाएंगे आप पास हो जाएंगे तो एक तरीके से आप अपने आप को महाराज दिराज की उपाधि भी आप दे सकते हैं है ना क्योंकि ये अपने आप में है सुमदन पाल जी ने कहा कि ये सर क्या है बिहार में है एग्जैक्टली exactly ये बिहार में है राम मंदिर की जगह पर नलंदा पर खर्च करना चाहिए था मैं ऐसा वक्तव्य कुछ नहीं देना चाहता हूं आस्था का सवाल है लोगों का लोगों की मान्यता है परंतु आप सत्य कह रहे हैं कि अगर प्रशासन पर पैसे खर्च किया जाए प्रशासन जैसे शिक्षा हुआ स्वास्थ्य हुआ इन सभी व्यवस्थाओं पर जब पैसे खर्च होते हैं तो शायद लगता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में है और रही बात मंदिर मस्जिद और ये सब तो अपने अपने स्थान पर इंडिविजुअल हैं इस पर मैं ज्यादा कुछ वक्तव्य नहीं देता हूं परंतु मुझे लगता है कि अगर भारत डेवलप्ड तभी कर सकता है जब भारत के मूल जो वस्तु चीजें हैं उस पर अगर ध्यान दिया जाए थोड़ा धर्म से अलग हटकर हमें आगे आने की भाईचारा बंधुता को मद्देनजर रखते हुए काम करने की आवश्यकता है हमने इतने बांट लिए हैं अपने आप को अपने लोगों के बीच में जाति के रूप में धर्म के रूप में है ना क्षेत्र के रूप में कलर के रूप में इतने सारे चीज में हम लोगों ने अपने आप को बांट लिया है कि हमारी कोई अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रह गई है भारत में अगर पूछा जाए कि आप कौन है तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है अक्सर हम किताबों में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यह कह देते हैं कि हमारा हम आइडेंटिटी भारतीय है लेकिन वास्तविक रूप से अंदर से हम भारतीय नहीं है क्योंकि हम बटे हुए हैं हम टूटे 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 हुए 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 इतने हुए, इतने हुए कि जिसे जोड़ना बड़ा ही मुश्किल सा हो गया है कोई जाति के रूप में धर्म के रूप में भावना के रूप में क्षेत्र के रूप में कलर के रूप में जेंडर के रूप में हम बांट दिए गए हैं कंप्लीटली लोगों के द्वारा अपने के द्वारा या फिर कह सकते हैं तो काफी हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इसको आपको मानना होगा और एक्सेप्ट भी करना होगा हमारी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है भी नहीं और जब तक हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होगी है ना हम विकास की राह पर नहीं चल सकते विकास का हवाला दे सकते हैं एक जुमला जैसे आडम्बर खड़ा कर सकते हैं लेकिन विकास का हवाला हम नहीं दे सकते कहने के लिए हो सकता है कि हमारे देश डेवलप बनेगा परंतु ऐसा नहीं हो सकता है है ना हमें अपने आप को बदलना होगा तो ये बातें हैं जो कि उनके शासन काल के दौरान में आपको देखने को मिला कुमार गुप्ता चार से लेकर चार के बारे में तो समझते हैं देखते हैं बाकी क्या कर सकते हैं हम लोग हैं वही हैं तो हैं मानना ही पड़ेगा कोशिश हम सभी को करना होगा एक करने के लिए ऑफ कोर्स अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले कल और भी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो सकता है आज जो हमारे देश के अंदर में ही अपने ही लोग जो है भेड़िया खाल के तौर पर एक दूसरे को बांटने के पीछे पड़े हुए हैं और मतलब हम कह सकते हैं कि कभी 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 दुश्मन जो होता है दुश्मन का कोई रंग नहीं होता है दुश्मन कोई भी हो सकता है दुश्मन आपके घर में स्वयं भी हो सकते हैं दुश्मन खुद भी हो सकता है आपका भाई हो सकता है दुश्मन जो है आपके अपने लोग भी हो सकते हैं तो हमारे देश का दुश्मन जो है ना अब हम अपने लोग हैं हम खुद हैं तो अब कोई दूसरा नहीं है कोई दूसरा आप आक्रमणकारी नहीं है वो चीजें अब बात करते हैं अस्कंद गुप्त के बारे में अस्कंद गुप्त की शासनकाल की बात करते हैं जो कि एक प्रमुख राजा के तौर पर जैसे हम ज्यादातर प्रमुख राजाओं की हम बात यहां पर कर रहे हैं अस्कंद गुप्त की बात करें तो 455 सौ पचपन सी से लेकर चार सी तक अस्कंद गुप्ता रहा है ना ये आपके कुमार गुप्त प्रथम के पुत्र हुआ करते थे अस्कंद गुप्त है ना तो अस्कंद गुप्त जो है उनके शासन काल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से मैंने कहा था कि कुमार गुप्त प्रथम के दौरान में जो हनों का आक्रमण का खतरा था हिंदू कुश को पार करने वाला था लेकिन कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में वो व्यवस्था बनी रही शांति समन्वय बना हुआ रहा रहा है है ना ठीक बना रहा। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जब उसका तो उन्हीं के शासन काल के दौरान में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से हिंदू कुश के क्षेत्र से उन्होंने आक्रमण कर दिया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उन्होंने आक्रमण किया तो अस्कंद गुप्त ने बड़ी ब्रैग मतलब बहुत ही बहादुरी के साथ हुनों से टक्कर लिया और हुनों की इस युद्ध में हराया ऐसा माना जाता है है ना ये बात तो उनकी इस कंक्वेस्ट की बात जो हुनों पर जिस प्रकार से विजय प्राप्त की स्कंद गुप्त ने तो उसके स्कंद गुप्त नामक पुस्तक भी लिखे गए हैं ड्रामा भी है हालांकि पढ़िएगा बहुत अच्छा है मैंने पढ़ा है का तो इनकी उन्होंने अपने कंक्वेस्ट के बारे में अपने विजय के बारे में पशु मित्र पुष्प मित्र पुष्मित्र का जो इंस्क्रिप्शन था जिसका नाम था विथारी पिलर इंस्क्रिप्शन पर मार्क्ट उन्होंने करवाया है और किस प्रकार से स्कंद गुप्त ने पुष्प की जो मार्क किया हुआ उन्हीं पर कंफेस्ट के बारे में बात कही गई है, है ना? आपने सुदर्शन लेख के बारे में पढ़ा होगा जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में यह भी बात किया गया है

उसके बाद बहुत सारे इनकम आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंट राजा आए ऐसे अयोग्य राजा जो है उनके शासनकाल में आए और जिसके कारण से पूरा एंपायर जो है धीरे धीरे आपका तरीके से डिक्लाइन की ओर चला जाता है तो बाद में बहुत सारे ऐसे अयोग्य राजा देखने को मिलता है अब चलिए यहां पर प्रथम क्वेश्चन आएगा आपका कहता है कि हूनोक ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया हुने ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया चंद्रगुप्त द्वितीय कुमारागुप्त और स्कंद गुप्त बुद्ध गुप्त क्या बताइए वट इज द राइट आंसर क्या इसका सही उत्तर होगा आप बताइए एक्जेक्टली exactly, uh, सुनील ने रुद्रमन कहा वेरी गुड सो हून ऑज इन्वेडेड इंडिया टू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किसके बारे में ने किसके हाँ क्या सही उत्तर होगा सी uh, आप लोगों ने सी कहा अस्कंदगुप्त exactly अस्कंद गुप्त इज अ राइट आंसर अस्कंद गुप्त इसके सही उत्तर है है ना वेरी गुड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं फ्रॉम द विच इंस्क्रिप्शन इज नॉन एज स्कुप्त डिफिक्ट किस शिलालेख में ज्ञात होता है कि अस्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि गुप्त ने किनो को पराजित किया था फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नॉन दैट नन दैट ऑप्शन ऑप्शन है उ, option है नॉन दैटिटेड आपका अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आपका हम बात करते हैं मंदसौर शिलालेख या उदयगिरी के शिला क्या सही उत्तर होंगे अंकिता इंजीनियर गुड मॉर्निंग अंकिता क्या सही उत्तर होंगे आप बताइए समीना ने कहा ए दीपू अ करण ए हेमंत शर्मा सुरबिंद कुमार अंकित कुमार सभी लोगों ने ए कहा बहुत सुंदर बहुत सुंदर करण जी ए कहा मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है इसीलिए मैंने कहा था कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको समझ में चीजें आ रही हैं ना बहुत अच्छी बात है अब चलते हैं आगे की कथा कहा जाता है कि आदि और अंत शुरुआत और उसका अंत होता है जिस प्रकार से मगध में कई राजा आए और उनकी शुरुआत बहुत बेहतर हुई और उनका अंत भी हुआ मौर्य आए मौर्य काल के बाद जो है मौर्य का आ, लेटर मौर्य भी आया बहुत सारा राजा आए और उसका डिक्लाइन है मतलब ये प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु होगी व्यक्ति शासन में होगा तो शासन का समाप्ति भी होगा वैसे ही गुप्ता जिस प्रकार से उत्कर्ष पर था जिस प्रकार से गुप्ता को स्वर्ण युग के तौर पर माना जाता है भारत वर्ष का वैसे उसी गुप्ता का डिक्लाइन भी आपको यहां पर देखने को मिलता है लॉर्ड ग्रांट स्टार्टेड टू सटिंग टू सेटिंग ऑफ द ओन डायनेस्टी फिर से ये जिस प्रकार से सामंतवाद की विचारधारा पहले हुआ करती थी हाँ हाँ अंकिता ने कहा कि सर आई हैव टू टू क्वेश्चन हाउ वेक अप अर्ली मॉर्निंग आपकी जरूरत नहीं है इसलिए शायद आप नहीं जग पा रहे अगर आपके अंदर में जिस दिन जरूरत महसूस होगा आप स्वयं जग जाएंगे जब जागो तब सवेरा ये आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है आप कितनी जगना तो आपके ऊपर निर्भर करता है ब्यूरोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है ना आप देख सकते हैं एबसेंस ऑफ द लार्ज परमानेंट एंड द प्रोफेशनल आर्मी वॉर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द डिक्लाइन कहा जाता है कि एबसेंस ऑफ द लार्ज परमानेंट एंड प्रोफेशनल्स आर्मी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करते थे जैसे कि आपने देखा कि मगध में अशोक या इन सभी को सर आई टू टू लाइव क्लास डेली बट आई डोंट आप लगाएं। आप अपने आप को जरूरत महसूस करवाएं आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना है आप सभी को ना अगर एग्जाम देना हो तो डेडिकेशन तो लाना होगा इस ग्रुप में बाकी 24, 25, 30 ऐसे व्यक्ति हैं जो डेली के क्लास ले रहे हैं कहीं ना कहीं उनको जरूरत है इस महसूस को तो आपको भी अपने अंदर में जरूरत स्थापित करना होगा जब तक जरूरत नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलती है कई बार कहानियों में मैंने ऐसी बातें कही है परंतु ये बात सत्य है आप अपने आप को जरूरत बनाओ सिविल सर्विसेज आपकी जरूरत होनी चाहिए आपका जीवन का पाठ होना चाहिए आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और ये नहीं है फिर साधारणता आप ज्ञान के लिए इसको पढ़ सकते हैं है ना काफ़ी अच्छा है समाज सोसाइटी में बोलने के लिए ठीक है सो अजय कुमार गुड मॉर्निंग एक कारण रहा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी दूसरा कारण रहा डिक्लाइन ऑफ फॉरन ट्रेड हमने कहा था हमने यह भी समझा था कि आ, उस वक्त जो है कि किस प्रकार से आपने देखा कि भाई भारत जो है रोमन के, ये रोमन के साथ व्यापार करता था अरब के साथ भी व्यापार होता था मतलब व्यापार अत्यधिक होने के कारण जो है धनाढ़ हुआ करता था धन धन संपत्ति बहुत ज्यादा होता था लेकिन आपने देखा कि हुनों के आक्रमण के कारण जो है राजा जो है कमजोर राजा होने के कारण व्यापार प्रसार भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाया और धीरे धीरे उन जो है, हुन जो है इस पर स्थापित होने रहे तो एक कारण यह भी माना जाता है हुनों का आक्रमण जो है गुप्ता शासन काल के अंत का कारण दूसरी बात है कि विष्णुगुप्त इस शासन काल का सबसे अंतिम राजा था 540 से लेकर 550 के बीच में जो लास्ट एज है गुप्ता रूलर आपका गुप्ता एम्पायरन की समाप्ति हो जाती है और धीरे धीरे इन सभी चीजों के बाद जो है पशु आप देखेंगे आपके पुष्पभूति कनौज का और मैत्रिका जो है इन सभी छोटे छोटे राजा फिर से आपके गुप्ता की तरह शासन में आना आने लगते हैं तो कहने का मतलब गुप्ता के डायनेस्टी के बाद फिर से नए शासन काल में आपको देखने को मिलेगा और फिर हर्षवर्धन का शासन काल आएगा इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर फिर से डिस्कस करने करने वाले हैं तो ठीक है ये बातें हैं एक प्रश्न है आप इसे सॉल्व जरूर कीजिए कहा जाता है कि गुप्ता Empire, which, which so, गुप्ता सम्राज के पतन के बिन्न कारण थे नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक कारण नहीं था जो गुप्ता का अंत का कारण नहीं रहा है विकल्प के तौर पर है आक्रमण या प्रशासन की सामंती स्थापन लेटर गुप्ताज बाद में गुप्तों द्वारा बौद्ध धर्म का स्वीकृत करना या फिर कह सकते हैं अरब इनवेंस अर्थात अरब का आक्रमण क्या सही उत्तर होगा आप लोग बताइए रोहित पाल हेमंत जी ने बी कहा दीपू ने ए कहा और समीना अगर आपने हमारी क्लास को ध्यान से सुना और पढ़ा होगा आप उत्तर देना आपके लिए आसान होगा और मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर तो लोग इसके उत्तर सही दे रहे हैं है ना मतलब उनके अंदर में समझ धीरे धीरे स्थापित हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है सो देर डिफरेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर विच वन ऑफ विच वन अमॉन्ग द स्टेटमेंट्स बिलो नॉट द कॉज इनमें से क्या सही उत्तर है तो सभी लोगों ने कहा डी इज राइट आंसर अरबों अरबों का अरबो का आक्रमण आक्रमण जो है ये सही उत्तर नहीं है अरबों का आक्रमण बाद में आपको देखने को मिलेगा मेडिवल्स के अंत तक में आप देखेंगे वहां पर किस प्रकार से भारत पर अरबों का आक्रमण रहा गजनी आया मोहम्मद गजनी हुआ मीर काशिम आए मोहम्मद बिन काशिम हुआ है ना या फिर आगे चलकर गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे इन मुगल के बारे में पढ़ेंगे इन सभी चीजों के बारे में हम तो आक्रमण है भारत का समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी और मुझे लगता है हर भारतीयों के भारत के इतिहास को समझना चाहिए शायद इसी से भाईचारा बदता हमारे देश में बन सकती है समझने की आवश्यकता अब जो हम शुरू कर रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारतवर्ष के अंदर में गुप्ता काल की शुरुआत भी हुई और गुप्ता काल का अंत हुआ इस्माइल खान कह रहे हैं कि 712 में मोहम्मद बिन आश कासिम जो है भारत पर आक्रमण किया था पहला अरब आक्रमणकारी था बात सत्य है मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पर भी कह सकते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी सात में मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता है मन की बात को मैं समझता हूँ हमारे पास इतिहास के कुछ तथ्य हैं जिसलिए मैं आपको बताता हूँ ठीक है बहुत अच्छी बात है अब हम पढ़ेंगे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी गुप्ता काल के दौरान में हाउ वॉज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड जैसे हम पढ़ेंगे समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में गुप्ता काल के प्रशासन के बारे में गुप्ता काल की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे गुप्ता काल के सोसाइटी और रिलीजन्स के बारे में अर्थात उसके समाज और आप कह सकते उसके धर्म के बारे में ऐसी कैसी सामाजिक रूपरेखा थी कैसी धार्मिक रूपरेखा था हम पढ़ेंगे गुप्ता शासनकाल के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में अर्थात कला और उसके भव्यता के बारे में पढ़ेंगे जिसके माध्यम से गुप्ता शासन काल को भारत वर्ष का स्वर्ण युग के तौर पर माना गया है ना स्वर्ण और स्वर्ण युग के तौर पर माना गया सर एंशियंट का मॉडर्न हिस्ट्री पीवाई की स्टार्ट कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का पी वाई की होगा, आप थोड़ा और बहुत सारे आने वाले हैं सो आप चिंता ना करें इसके बाद वही सब स्टार्ट होने वाला ठीक है तो एक एक करके समझते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता शासन काल के प्रशासन के बारे में हम समझते हैं देखिए समीना जी पेशेंस रखना बहुत जरूरी है हो सकता है सिविल सर्विस प्रश्न पूछ दे तो उस वक्त सिर्फ आपके पछतावा के अलावा कुछ और नहीं रह सकता है तो इट विल बेटर कि हमें एक सिस्टमैटिकली तौर पर अध्ययन करने की आवश्यकता है और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं आपके लिए तो मुझे लगता है इसका लाभ उठाने की आवश्यकता आप इसे लाभ उठाएं क्योंकि बहुत जरूरी है सिविल सर्विसेज का कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी का फुल फॉर्म होता ही है अनप्रडिक्टेबल सर्विस कमीशन प्रेक्शन करना बड़ा मुश्किल है करना जो है बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से प्रश्न सिविल सर्विस पूछ सकती है हम एक अंदाजा लगा सकते हैं हम एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि मॉडर्न से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं हम मॉडर्न पर बहुत ही डीप फोकस देंगे हम भारत की पूरी कहानी को पढ़ेंगे स्वतंत्रता आजादी से लेकर नाइनटीन तक की सारी कहानी को हम लोग अध्ययन करेंगे परंतु अगर एक एक पॉइंट अगर हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं खास करके जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन से नाइनटीन की एक सफर को अगर आपने तय किया तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसके उत्तर आपको नहीं पता है लेकिन जब अपने इतिहास के सफर को तय किया है तो उस दरमियान में बहुत सारे ऐसे इसको आप इंफॉर्मेशन आपके पास होते हैं जिसके कारण से आप विकल्पों को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं तो जब विकल्प आप आसानी से एलिमिनेट करेंगे तो आपके लिए प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है है ना सो तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है और इसीलिए आपको मैं एक सिस्टमैटिकली तौर पर मैं इसका आपको अध्यापन करवा रहा हूं आप लोगों को है ना ठीक है तो आप चिंता ना करें अब हम बात करते हैं कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की बात करते हैं प्रशासन की बात किया जाए तो जिस प्रकार से आज भारत में प्रधानमंत्री होते हैं भारत में प्रधानमंत्री को एक तरीके से असिस्ट करने वाला कौन होता है कौंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है आपने पढ़ा होगा आर्टिकल के अंदर में 76 या 75 के अंदर में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेशन का आपने पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी के अंदर में है ना हिस्ट्री के बाद आपको इन्वॉर्वमेंट होगा इन्वॉर्वमेंट होगा हिस्ट्री के बाद तो ये चीज देख सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा एक किंगडम हुआ करता था किंगडम से नीचे जो हुआ करता था

वैसे ही द किंग वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल्स ऑफ मनीस्टर मंत्रियों के द्वारा उनको असिस्ट किया जाता था साथ-साथ में भुक्ति भुक्ति जैसे आपके देश के अंदर में बहुत सारे राज्य हैं 28 राज्य हैं वैसे ही उस वक्त प्रोविंस के तौर पर भुक्ति हुआ करता था उसी प्रकार से विश हुआ करता था आपका प्रोविजनल डिवीजन में तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के अगर हेड की बात करें उपारी का उपारिका या फिर कह सकते हैं कि विश्वापति हुआ करते थे तो ये सब टर्म आपको पूछा जाए कि गुप्ता शासन काल के दौरान में कौन क्या उपारिका किसे कहते हैं भाई तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को कहते हैं आपका विषया किसे कहते हैं भाई तो आप कह सकते हैं कि विषया को डिवाइड किया गया था विथी के बारे में और विलेज के बारे में जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करते थे ब्यूरोक्रेसी जो है मौर्य की तरह इसको बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया जिस प्रकार से मौर्य शासन के कारण मौर्य शासन काल में प्रशासन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया था वैसे इतिहास के पन्नों में गुप्ता शासन काल के प्रशासन को बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर तौर से बताया गया है है ना तो ये बातें यहां पर देखने को आ, कर सकते हैं इस चीजों को हम समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं इस चीजों पर थोड़ा सा एक आप पढ़िए मैं पूरी डिटेल के साथ एक चीजों को मैं खेखा खाखा देना चाहता हूं जैसे कि ये गुप्ता डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन है जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो आप सबको आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राजाओं ने अपना अपना टाइटल धारण किया उदाहरण के तौर पर प्रथम राजा टाइटल धारण किया घटोचक ने महाराज का टाइटल धारण किया चंद्रगुप्त प्रथम ने आपको महाराज धीराज का टाइटल धारण किया।, किया उसी प्रकार से विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया गया उसी प्रकार से महेंद्र अधिपति का टाइटल धारण किया तो उसी प्रकार से राज, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में राजाओं ने विभिन्न भिन्न प्रकार के टाइटल धारण किया साथ दरमियान में भी आप देखेंगे कि सिविल और क्रिमिनल जो है आज की जैसे सिविल कोर्ट होता है आपका आईपीसी होता है इंडियन पिनल कोर्ट होता है या सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट हुआ करता है तो वैसे ही आपको सिविल एंड क्रिमिनल क्राइम्स वॉर आपका डेमोक्रेटिक देखने को मिलता है उसी प्रकार से जैसे कि टेरिटोरियल डिवीजन की बात करते हैं टेरिटोरियल डिवीजन का मतलब होता है कि क्षेत्र का विभाजन कि शासन काल का क्षेत्र का विभाजन कैसे था तो क्षेत्र का विभाजन का मतलब जैसे अब ये शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भुक्ति के बारे में भुक्ति क्या था तो भुक्ति जो था उसको गवर्न किया जाता था उपारिका के द्वारा उसी प्रकार से भोगाज के बारे में बात करते हैं या फिर विश्याज के बारे में बात करते हैं जो कि भुक्ति से नीचे हुआ करता था

उसी प्रकार से यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है तो नगर सेठ सेठ जो है जो धनाढ्य लोग हुआ करते थे जो मतलब कह सकूं उस जमाने के जो सेठ जो आजकल पर अक्सर हम लोग सेठ शब्द का प्रयोग करते सेठ शब्द उसी जमाने से चला आ रहा है, है ना तो सेठ जो हुआ करते थे नगर स्टेट के तौर पर उनको जाना जा सकता है मतलब बहुत सारे स्टेट के चीफ के तौर पर मान सकते हैं आपके साथ साथ में बली बलि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था आपका मौर्य शासनकाल के दौरान में बली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वॉलेंट्री टैक्स हो सकता है टैक्स स्ट्रक्चर के तौर पर कंपल्सरी ऑफरिंग आपका उस वक्त के दौरान भाग आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू होता था राजा के लिए वन बाई सिक्स जो कि मौर्य शासन काल से ही चला आ रहा है उसी प्रकार से भोग मतलब गिफ्ट हुआ राजा को लोग गिफ्ट देते थे उपहार देते थे तो उसको भोग कहा जाता था शुल्का की बात करते हैं कस्टम आपका उसी प्रकार से उदिन आप कह सकते हैं कि उदिनाक के बारे में सोशल सिक्योरिटी टैक्स की बात करते हैं आपका कलिपता कलिप्ता जो है टैक्स फॉर द सेलिंग ऑफ परचेजिंग लैंड के लिए हली वक्रा जो है आपका खेत जो जुताई के लिए जो होता है उसके लिए हिरन्याक क्या हिरनाक के जो है गोल्ड टैक्स होता था कारा जो है आपका इरेगुलर टैक्स होता था ये सारे टैक्स उस जमाने में होते थे और मैं बता दूं आप लोगों को यूपीएससी ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछती ही पूछती है तो वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यूपीएससी ऐसे टर्म के बारे में जरूर पूछेगी तो वो बहुत ही ध्यान से आप चीजों को पढ़िएगा और समझिएगा ट्रेड के बारे में बात किया तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है गुप्ता डायनेस्टी में लोगों ने रोमन अम्पायर के साथ व्यापार करते थे तो ये भी एग्जाम या स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि ट्रेड आपके कॉन्टेक्ट वर वेल एस्टेब्लिश बाय द रोमन अम्पायर लेकिन डिक्लाइन का एक कारण भी माना जाता है कि रोमन के साथ हमारी कनेक्टिविटी हूनों के आक्रमण के कारण हम विदेशियों के साथ व्यापार नहीं कर पाते थे जिसके कारण से आपको ये चीजें देखने को मिलता है उस वक्त जो है उज्जैन जो है कॉमर्शल सेंटर माना जाता था आपका साथ साथ में हमारे उस सिल्क इसके शासन गुप्त शासन काल के दौरान में सिल्क हुआ पर्ल्स हुआ लेदर हुआ ज्वेलरी हुआ इवरी हुआ स्पाइसेस हुआ इन सभी को भारत के विभिन्न भिन्न भागों में या विदेशों के साथ व्यापार करने को मिलता है तो ये था उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एक प्रश्न है इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिए आप क्या इसका प्रश्न का उत्तर होगा कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट विद द विलेज हेडमैन ग्रामिका ग्रामिका के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा गुप्ता शासन काल में ग्रामिका के बारे में बात किया एंसेंट में कंसीडर द फॉलोइंग सो प्राचीन भारत में गुप्त काल की ग्राम प्रधान ग्रामिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो पहला है आपका द विलेज हेडमैन यूज टू मैनेज द विलेज डेली अफेयर विद द कंसेंट ऑफ द किंग गांव का मुखिया राजा की सहमति से गांव के दैनिक मामलों का प्रबंधन करता था गांव के मुखिया आज भी आप आपके यहां अक्सर ग्राम सरपंच हुआ करते हैं दूसरी बात लो नो लैंड ट्रांजेक्शन विदाउटन ग्राम प्रधान की सहमति के बिना भूमि का कोई लेन देन नहीं किया जा सकता है तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे बहुत क्या बात है प्रीति दीपू करण शुभम इस्माइल समीना सभी लोगों ने उत्तर दिया एक दिक दीक्षिता सर आपकी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है सब कुछ जल्दी में समझ में आ रहा है और आपको पढ़ाने की आ, स्पीड भी बहुत अच्छा है सो थैंक यू सो बहुत बहुत सो धन्यवाद थैंक यू बस आप लोग शेयर कीजिए लोगों को तक पहुंचाइए ओके सो मोहम्मद कासिम सुरविंद हेमंत सबने सीखा बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात इज द राइट आंसर बहुत खूब ऐसे प्रश्न का उत्तर आपके ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में यूपीएससी के प्रम्स में पूछे जाएंगे पूछे ही जाएंगे पूछे जाएंगे ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं है ना तो बहुत खूब बहुत खूब आगे बढ़ते हैं अब चलिए जैसा कि सुनील जी मैं आपको की बात को मद्दनजर रखते हुए जैसा कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे उस जमाने में आज भी आप लोग जब आई ऑफिसर बनेंगे आईपीएस बनेंगे आई बनेंगे इन सभी पदों पर जाएंगे तो आपका नाम अलग अलग होगा हालांकि आई आईपीएस एस आई ये सभी जो है आपका एक पदर के तौर पर इसे कंसीडर नहीं किया जाता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जामों में से तो जब आप बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे एसडीएम बनेंगे सब डिविजनल ऑफिसर या फिर आप कह सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या फिर कमिश्नर बनेंगे ये सारे पद होंगे आगे चलकर है ना पोस्ट होगा तो उसी प्रकार से गुप्ता शासन काल के दौरान में भी एक पद हुआ करता था जैसे आज के शासन काल में न्यायाधीश होता है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आपका मुख मुख आप कह सकते हैं कि न्यायाधीश की बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ आपका मुख्य चुनाव आयुक्त तो वैसे ही उस वक्त जो है महा ये देखिए महादंड नायक महादंड नायक <laughs> दीक्षिता डिगे दिख सर में आपका क्लास रोज़ देखती हूँ मैं रोज़ आपकी क्लास लाइक और शेयर करती हूँ बहुत अच्छी और बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू टू ऑल ऑफ द पीपल हु इज़ शेयरिंग दिस वीडियो और आप इसे जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी मुझे भी प्राप्त होती है मेरे अंदर में भी आशा की नई किरण जागेगी अगर अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखेंगे सो बहुत अच्छी बात है सर एक्सप्लेन इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत हो रहा है एक्सप्लेन से इंग्लिश लैंग्वेज भी मजबूत हो रहा है आप मुझे कहें मैं तो सारा इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूँ करू, तो मेरे लिए भी और भी आसान हो जाएगा सर एज सुन ए पॉसिबल सी विल जोग्राफी इन वोमेंट एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पी वाई के स्टार्ट बिकॉज देर इज अ three month and the left prelims exam so please try to definitely i'll do so don't worry this is my responsibility and i will explain to all this thing whatever to rest we have so don't worry aap uske bare mein chinta na kare samay se pehle sare subject aapke samapt ho jayenge ye hamari guarantee hai ये हमारी guarantee है आप इसकी चिंता ना चाहे मुझे parallel दूसरी भी class क्यों ना चलाना पड़े तो आप चिंता ना करें और आपकी क्लास आपके सारे सब्जेक्ट पी वाई के ना ऑल दिस थिंक मैं समय से पहले आपके एग्जाम से पहले मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा आपको मजबूत करवा दूंगा आप आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और गर्व के साथ सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे उस वक्त एक विकल्प में मेरा भी चेहरा जरूर होगा ओके ठीक है सो so, आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफिस के बारे में अगर हम बात करें तो महादंड नायक आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वैसे ही महादंड नायक हुआ करते थे जिसको जस्टिस न्याय देने का काम किया करते थे जस्टिस डिलीवरी दिले, की बात करते हैं उसी प्रकार से आप देखेंगे कि महाप्रतिहरा महाप्रतिहार महाप्रतिहार जो है चीफ ऑफ द गार्ड प्रतिहार जो होता है गार्ड होता है जो आपका गार्ड है आप कह सकते हैं जो द्वारपाल है जो रक्षक है उसी का जो रक्षक का जो हेड होता था उसको महाप्रतिहार कहा जाता है जैसे आपने महाभारत की कथाओं में या रामायण की फिल्मों कथाओं में आपने देखा होगा कि प्रतिहार आप यहां तो प्रतिहार का तात्पर्य है कि रक्षक आपका गार्ड तो महाप्रतिहार को चीफ ऑफ गार्ड कहा जाता था ठीक है न्याय वितरण एग्जैक्टली उसी प्रकार से बात कर सकते हैं का हम लोग जो है दूतकाज के बारे में है ना दूतकाज दूतकाज जो एसोसिएटेड विद द गिफ्ट एंड द ग्रांट मतलब दान देने की हो सकता है कभी कभी जो है राजा महाराजा जो है गरीबों को जरूरतमंदों को मंदिरों को मस्जिदों को दान के तौर पर देते हैं तो उनको कहा जाता था दूतकाज एसोसिएटेड विद द गिफ्ट एंड द ग्रांट्स आपका है ना <laughs> exactly रोहित है ना वेरी गुड सो so, संधि विग्रहिका संधि विग्रहिका हमने हरिसे के बारे में पढ़ा था समुद्रगुप्त के शासन काल के दौरान में संधि विग्रहिका हुआ करते थे सहिंदी विग्रहिका की तात्पर्य आपका विग्रहिका का तात्पर है मनिस्ट्री ऑफ पीस एंड द वॉर युद्ध और शांति को स्थापित करने के लिए एक योग्य पुरुष की आवश्यकता होता है जिसके शब्दों पर कमांड हो तो संधि विग्रहिका जो है मिनिस्टर ऑफ द पीस एंड द वॉर हुआ करता था है ना? तो पी सर वॉर हुआ करता था हरिसेन जो है अपने बारे में ये बात कहते हैं हरिसेन को महादंड नायक के तौर पर भी जाना जाता है मैं बार बार इस प्रश्न इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं इसी प्रकार से पिलुपति पिलुपति हेड ऑफ द एलिफेंट जो हाथियों का अधिक जिनके पास अत्यधिक हाथियों का पूरी कहा जाता है कि हाथी का भार कार भार जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया तो उनको कहा जाता था पीलूपति अश्वपति अश्वपति जो है हॉर्स का मालिक अर्थात जो युद्ध में जो प्रयोग किए जाने वाले सभी घोड़े जो है का एक हेड हुआ करता था जिसका नाम है आपका हेड आपका हेडेड ऑफ द हॉर्स इस समय का राष्ट्रपति कह सकते हैं नरपति नरपति का मतलब जो है जो सोल्जर होते थे जो पांव वाले जो सेना, होते, पैदल सेना जो होते थे पैदल सेना का एक हेड हुआ करता था जिसको बोलते थे नरपति तो तो पहले के आज जैसे आप साहब सुनील जी ने कहा तो तीनों सेनाओं का हेड है चीफ कमांडर ऑफ इंडिया कहा जाता है राष्ट्रपति को है ना थल सेना जल सेना वायु सेना इन तीनों सेना का मालिक तो उस वक्त जो है बाकी सारे सेना का एक इंडिविजुअल मालिक होता है होता है ना कि भाई चीफ कमांडर आपका तो उस तरीके से नरपति अश्वपति पीलुपति है ना उसी प्रकार से आप कह सकते हैं राष्ट्रपति एग्जैक्टली exactly. हाँ। उन्होंने इस संदर्भ में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया ठीक है उसी प्रकार से रंग भाग रंग भंग धगी धागिर का थोड़ा सा नाम ये है मतलब आप कह सकते हैं रन का चार्ज ऑफ द स्टोर जोर जो स्टोर का मालिक होता है खाद्य का मालिक होता है आपका उसी प्रकार से सुप्रिंटेंडेंट रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट्स भी है जिसका नाम था आपका अक्ष पटल है ना लैंडिका आपका अक्ष पटल लधिका तो इस तरीके से आपके एग्जाम ऑफिसर्स आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाएंगे प्रिलिम्स में ऐसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट ऑफिसर के बारे में प्रश्न आप ध्यान रखिएगा है ना ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देखे जाएंगे अब चलिए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कैसी अर्थव्यवस्था थी कैसी इकोनॉमी थी उस वक्त की है ना इसकी चर्चा हम करेंगे महादंड शब्द या बाहुबली मूवी में आ, यूज किया गया है एग्जेक्टली exactly, हाँ आपने बाहुबली दिया होगा तो समझ में आ ही गया होगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा बहुत अच्छी बात है कई मीन बनाए गए थे अब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं अर्थव्यवस्था कैसी थी किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने में अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है आपने देखा कि मगध राज्य वंश या आपने देखा कि मौर्य शासन काल की समाप्ति या डिक्लाइन के पीछे उसकी अर्थव्यवस्था भी थी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भारत के इतिहास में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स रिफॉर्म कि नाइनटीन में काफ़ी पैसे खर्च हुए थे उसके बाद जो भारत देश में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था भारत की अर्थव्यवस्था टूट गई थी ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं मेरे भी आप, आपके इकोनॉमिक्स के वीडियो में जाकर आप देखेंगे मैं वहां पर काफ़ी चर्चा किया वहां पर तो उस वक्त की जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो गुप्ता शासन काल के दौरान में दौरान में अर्थव्यवस्था एक चरम सीमा पर था एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स आर्ट्स तरीके से प्रफुल्लित था उस वक्त। उसको था आप कह सकते हैं मतलब यहां पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑल द फ्लोरिस अंडर गुप्ता शासन के काल के दौरान में और एक तौर पर यह भी माना जाता है आपका राजा एडमिनिस्ट्रेशन इरीगेशन आपका मतलब कह सकते हैं कि इरिगेशन का मतलब यहां पर इरीगेशन का मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इरिगेशन की व्यवस्था जो है राजा द्वारा किया जाता है जैसे खेत में आपको कृषि सिंचाई की बात कर सकते हैं है ना उसी का मेजरमेंट जमीन के मेजरमेंट के लिए कैटेगराइजेशन लैंड कौन सा लैंड कैसा है जैसे कल्टीवेटेड लैंड हुआ आपका जैसे का लैंड जो जो होता है उपजाऊ भूमि होती थी उसको अपरा कहा जाता था या खीला कहा जाता था ठीक है उसी प्रकार से लैंड ऑनर भी क्लास वहां हुआ करते थे जैसे आपका महात्राज ग्रामिका और आपका कुटुंबिका कुटुंबिका जो है कुटुंबिका ग्रामिका और महात्रा ये जो है लैंड के मालिक हुआ करते थे सिंचाई की एक्जैक्टली exactly, सिंचाई जो काफी इन्फ्लुएंशियल थे लैंड वाज अ प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी टू बी अ सोल्ड और गिफ्टेड आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जिसके पास बहुत सारे भूमि होता है वो अपने आप को गर्व महसूस करता है काफी प्रेस्टिजियस बात होती है कि भाई हमारे पास भूमि मैं इस फलाने जगह का जमींदार हूं जमींदार की प्रथा भारत देश में थी हालांकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म की बात करें तो लैंड रिफॉर्म में जमींदारी सिस्टम भारत से समाप्त कर दिया गया था ऐसे हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है हमने देखा भी है काफी डिटेल में क्राफ्टमैन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है यूटिलिटी और लग्जरी आइटम बनाया करते थे जैसे आपका और ये जाति के बेस के आधार पर था कास्ट के बेस के आधार पर जैसे आपको लकड़ी के काम करने वाले बढ़ी हुए आपका लोहा का काम करने वाले आपके ब्लैक स्मिथ हुए सोने के काम करने वाले आपके गोल्ड स्मिथ हुए तो इस तरीके से जाति के बेस के आधार पर क्राफ्टमैन को डिवाइड किया गया था उसके उनके शासनकाल के आधार पर उसी प्रकार से शेरनी शेरनी ये प्रलिम्स में कई बार प्रश्न शायद पूछा गया है मुझे ऐसा लगता है सेरनी शब्द की बात करें कंटिन्यू टू गवर्न द ट्रेडर्स और आपका अफेयर मतलब व्यापार संबंधित जो मुद्दों पर की अगर हम बात करें तो शेरनी शब्द का प्रयोग किया गया जैसे व्यापारी जो होते हैं तो व्यापार है कि मान लिया कि आज भी भारत और जापान के साथ व्यापार स्थापित हो रहा है आज जो है अमेरिका के साथ या विश्व के भिन्न भिन्न देशों के साथ हम व्यापार को स्थापित कर रहे हैं तो व्यापार संबंधित मुद्दों पर बात करने के लिए गवर्न करने के लिए शेरनी शब्द का प्रयोग जो है किया गया है यहां पर कॉमन लोग जो आम जनता थी उस समय जो है कौ से ट्रेड करते थे कौड़ियों के सेल से अक्सर आपको सुनने में मिला होगा कि ये तो कौड़ी के भाव से भी बिक गया कौड़ी के भाव का मतलब होता है उस जमाने में कौड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है है ना उस जमाने में कौड़ी शब्द का प्रयोग किया आज भी आम चाल बोलचाल की भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में कौड़ी शब्द का प्रयोग कहा जाता है तो कौड़ी जो होता था कौड़ी आम आदमी के लिए ट्रेड का एक तरीके से प्रचलन हुआ करता था कौड़ी सेल्स के माध्यम से है ना गोल गोल सा सेल्स होता है कौड़ी जो है उससे व्यापार भी किए जा सकते हैं उसी शासन काल के दौरान में आप देखेंगे से पहले इन लोगों ने प्योर गोल्ड क्वाइन दैन द कुसान इसमें कहा गया कि गोल्ड इन लोगों ने किया था परंतु पॉइंट यह है कि कुशान से मतलब कुसान लोग तेईस कैरेट तक के सोना तक का वो बनाया करते थे कौड़ी कैसा होता है था कॉडी एक्चुअली आप कह सकते हैं कि भाई इस सेल है सेल का मतलब कह सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे सेल संघ की तरह छोटा छोटा संघ अक्सर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अः माताएं अपने बच्चों को कमरबंध में उसे बांधती हैं मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि भाई उनका बच्चा जो है उस पर कोई नजर न लगे किसी भूत या किसी चीज की साया ना हो तो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो है अपने बच्चों को कमरबंद में जो होता है उस कमरबंद में कौड़ी लगाती है आपका तो काफी शुभ माना जाता है ऐसा सुपरस्टिशन है हालांकि साथ साथ में ये भी देखिएगा कि प्रचार प्रसार के लिए द टाउन ऑफ घंट घंटशाला कदूरा और का चौल ये सब उस समय के फॉरेन ट्रेड को हैंडल करने के लिए पोर्ट हुआ करते थे मतलब इस बात से ये भी पता चलता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान से नदी के मार्ग से या समुद्र के मार्ग से व्यापार प्रसार हुआ करता था है ना चंद्रगुप्त तो द्वितीय ने आ, कड़ी का प्रयोग किया था <laughs> इस्माइल खान जी तो याद रखिएगा सो so, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कई बार प्रश्न पूछे गए यूपीएससी ने पूछा है कि घंटशाला कदुरा और चौल ये सब उस समय का हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड पोर्ट हुआ करता था तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाएंगे 2020 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है सिविल सर्विस 2020 में प्रश्न पूछा है एनसीएंट इंडिया द टाउन घंटशाला कदुरा और चौल वेल नन फोर प्राचीन भारत में गुप्त वंश की अवधि के, के संदर्भ में घंटा घंटाशाला साल, कदुरा और चौल शहरों को किस रूप में जाना जाता था किस रूप में जाना जाता था कहते कहते थे exactly कर्थन कहते थे गांव में ठीक है तो पावरफुल आपका शक्तिशाली सक, राज्यों की राजधानी या आर्किटेक्चर या कह सकते इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या बात है बहुत अच्छा शुभम सुरबिंद हेमंत दीपू सभी लोग सामा की जिंदगी के सफर सब ने ये कहा संतन है ना बहुत अच्छी बात है सब लोगों ने ये कहा ए इज अ राइट आंसर ये इसके सही उत्तर होंगे ठीक है तो ये बातें हैं ये जज्बात भी है यूपीएससी का प्रीति मोह आपके मदन पाल अमित सब लोगों ने ये कहा मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है अजय जी ने भी प्रश्न का उत्तर दे दिया है सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर टूडे और काफ़ी कुछ हम लोगों ने खत्म किया थोड़ा सा पार्ट और बच गए हैं हम सामाजिक रूपरेखा को समझेंगे और इसके बाद जो है कल हम नए चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे पहले इसे मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर नए चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे हर्षवर्धन के बारे में भी हम लोग आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं है ना तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी आप मन लगाकर पढ़िए डेडिकेशन के साथ पढ़िए आप आत्मविश्वास को जगाए रखें और मेरा मानना है मेरी प्रकृति से प्रार्थना है कि आप लोग सफलता प्राप्त करें ताकि मुझे भी इस बात का गर्व हो कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो uh, मेरे मार्गदर्शन में रहकर काफी कुछ किया है सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू और बाकी मिलते हैं फिर से कल की क्लास में बाकी आप अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िए समीना डोंट वरी दिस इज योर डेफिनेटली मैम हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करेंगे समीना सो तो आप पढ़िए मन लगाकर और मैं आशा है कि आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी आप लोगों को मोहम्मद कासिम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आई एस कर सर आराम से पढ़ाइए जो भी पढ़ा जाए सही ढंग से पढ़ना चाहिए बहुत अच्छी बात है मैं मैं ऐसा ही सुनील करूंगा आप सिस्टमैटिकली हम लोग पढ़ते हैं एंशियंट पढ़ेंगे मेडिबल पढ़ेंगे उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मैं सिविल सर्विसेज को मद्देनजर रखते हुए मैं संपूर्णतः आपके इतिहास को आपके अंदर स्थापित मैं कर दूंगा आप चिंता ना करें है ना और अंकिता पी आपको मिल जाएगा आ, हर स्लो से ही आप पढ़ाई ओके इस्माइल खान वेरी गुड डेफिनेटली ऐसा मैं करूंगा आपको अल्लाह आपके हिफाजत करे मैं अल्लाह ऑलवेज भी ब्लेसिंग यू डेफिनेटली मोहम्मद कासिम सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और मिलते हैं कल बाकी आप मैम की क्लास है आपका करंट अफेयर का आप आइए ज्वाइन कीजिए और कल का करंट अफेयर का क्लास हमारा होगा मैं लूंगा आपको सो so, आज के लिए इतना है सो थैंक यू वेरी